ऑफिस से निकलते रात हो चुकी थी। मेरा घर शहर से थोड़ा दूर है। पता नहीं आखिरी बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बस स्टॉप पहुंच कर मैं बस का इंतजार कर ही रही थी, तभी मैंने देखा एक लड़की हाँफते हुए मेरे पास आ रही है। लड़की इतने जोर से हाँफ रही थी और कुछ घबराई हुई थी। मेरे कुछ पूछने से पहले ही उसने हाँफते हुए कहा, यहाँ से भागी है, कुछ अजीब इंसान पीछा कर रहे हैं। अजीब इंसान? कैसे अजीब इंसान? और कौन हमारा पीछा कर रहा है? लड़की ने कहा, वो मुझे नहीं पता। सब बोल रहे हैं कुछ वायरस फैल गया है और सब लोग इंसान से शैतान बन रहे हैं। एक पल के लिए मुझे लगा क्या लड़की ने नशा वशा करके रखा है, क्या चोर भी हो सकती है। मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा, लेकिन मैंने तो कुछ ऐसा नहीं सुना, यही पास एक ऑफिस में जॉब करती हूँ, न्यूज में भी ऐसा कुछ नहीं आया। लड़की कुछ बोलने ही वाली थी तभी हमने देखा बहुत सारे अजीब इंसान हमारी तरफ आ रहे हैं। लड़की ने घबराकर कहा, भागो भागो यहाँ से। हम दोनों पागलों की तरह भागने लगे। भागते भागते हम जंगल के रास्ते चले गए। जैसे तैसे करके हमें मेन रोड फिर से मिल गया। एक टैक्सी वहां से आ रही थी। हमने टैक्सी को रोककर वहां बैठ गए। जल्दी चलें यहां से। अरे मैडम, आप लोग रस्ते में क्या कर रही हैं? क्या आपको पता नहीं क्या हो रहा है? ज्यादा कुछ नहीं पता हमें, एक बार रेडियो चलाइए ना। शहर में एक अजीब वायरस फैलने के कारण इंसान जॉम्बी बन रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। सभी से निवेदन है कि घर में ही रहे और सड़क पर ना निकले। भैया आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? टैक्सी वाले ने कुछ जवाब नहीं दिया। क्या हुआ भैया, कहाँ लेकर जा रहे हैं? और देखते ही देखते टैक्सी वाला का चेहरा बदलने लगा। और फिर